हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 ब्यूटीफुल से हेयर स्टाइल जो कि आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ, इंडियन वेयर के साथ, किसी भी ड्रेस के साथ कर सकते हो, आपके फेस पे भी काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने पहना है वेस्टर्न ड्रेस, तो फर्स्ट टाइम मैं वन पीस पहन के वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सब जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसको मैं बीच मांग के साथ बनाऊंगी। अगर आप साड़ी डाल रहे हो तो भी आप भी बना सकते हो। इस तरीके से मैंने बालों का पार्टीशन लिया है, देन फ्रंट का पतला सा सेक्शन लेंगे एंड बैक कॉम्बिंग करेंगे पतली वाली साइड पे, जिससे कि हमारे फ्रंट में यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, ओके, फ्लैट ना लगे। वैसे तो मेरे बाल इतने फ्लैट नहीं लगते हैं, बट बहुत लोगों के फ्लैट होते हैं, तो उनके लिए टिप्स बता रही हूँ जिससे कि थोड़ा वॉल्यूम दिखेगा। ओके, हल्का सा काम करेंगे जिसे ऊपर से फिनिशिंग दिखे, और जो हमने पार्टीशन की थी वो पार्टीशन ले लेंगे, बालों को बैक साइड में कर देंगे, देन अपर डायरेक्शन में करके हल्का हल्का काम करेंगे। पहले जो हमने बैक कॉम्बिंग की थी वो वाले हेयर ले लेंगे और ऊपर की तरफ से ऐसे रखेंगे एंड मिक्स कर देंगे, ओके। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हेयर मिक्स करते जाएंगे इसमें। अगर आपको लेयर्स निकालना है तो आप लेयर्स निकाल सकते हो। साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, और शॉर्ट हेयर है तो भी काफी अच्छा लगेगा ये हेयर स्टाइल। इस तरीके से आगे की तरफ पुल करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिप से सिक्योर कर देना है, और क्लिप को हेयर से हाइड कर देना है, ओके। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। यहाँ से पतला सा लेयर लेंगे बालों का, देन बैक कॉम्बिंग, और अभी देखिए वॉल्यूम। अब अगेन हमने इस तरीके से हेयर को लिया है, देन ट्विस्ट करेंगे, लेयर को मिक्स करते जाएंगे। साड़ी बांधनी है तो ये वाला हेयर स्टाइल जरूर ट्राई कीजिएगा। हल्का सा आगे की तरफ पुल करेंगे और क्लिप से सिक्योर कर देंगे हेयर को हटा के, देन ऊपर से हेयर को छोड़ देंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट हेयर स्टाइल, साड़ी के लिए है और काफी प्यारा लग रहा है, देन छोटे बालों में भी काफी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल। चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप बना लोगे। तो चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकंड हेयर स्टाइल बनाने के लिए पहले फर्स्ट हेयर स्टाइल को ओपन कर लेते हैं। देन आपको करना क्या है, आपको सिंपली बालों को एक रबर बैंड की जरूरत पड़ेगी इस हेयर स्टाइल में आपको। जो बैक कॉम्बिंग की थी उससे बाल उलझ गए थे, तो इजीली ये रिमूव हो जाता है। ये वाला जो हेयर स्टाइल है ये आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ कर सकते हो, कोई भी वेस्टर्न ड्रेस हो, जींस टॉप हो, वन पीस हो, किसी भी ड्रेस के साथ। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से हेयर को लिया है, देन यहाँ से सारे बालों को आगे की तरफ किया है। अब जो बैक के बाल हैं उनको एक रबर बैंड की मदद से यहाँ पे रबर बैंड लगाएंगे। ओके, नीचे से हेयर को लेंगे, एकदम नीचे का पार्ट लेंगे, देन इनको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड खींचेंगे, तो ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल सा पॉप बन जाएगा आपका। ओके, तो इस तरीके से पॉप बन गया, हमको कुछ करना नहीं पड़ा।
अब हमको इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे बालों को। सॉरी कैमरा बहुत नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल सा पफ हमारा यहाँ पे बन गया है। अब जो हमने पोनीटेल बनाई है इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, वन पार्ट को एक साइड में क्लिप की मदद से सिक्योर कर देंगे। अब जो ये वन पार्ट है इसमें आपको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन थोड़ा थोड़ा हेयर मिक्स करते जाएंगे। पहले आपको बीच से पार्टीशन कर लेनी है, एक साइड के हेयर को एक साइड में कर लेंगे। और अब इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे और हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा हेयर लेके मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा सा हेयर लेके मिक्स करते जाएंगे और फ्रेंच ब्रेड बनाते जाएंगे। इसको गूंथ के यहाँ पे आप रबर बैंड लगा दोगे, सेम कलर का रबर बैंड यूज कीजिएगा। और थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींच लेंगे जिससे कि जो हमारी चोटी है वो बहुत पतली ना दिखे। ओके वाह। तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड बनाएंगे। पहले मैं इस कलर का रबर निकाल लेती हूँ। अब इधर के हेयर को ओपन करेंगे। देन थोड़ा थोड़ा हेयर लेके ऐड करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा हेयर ऐड करते जाएंगे और जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही फ्रेंच ब्रेड को कंप्लीट करेंगे। रबर बैंड को लगाएंगे। देन जो हमारा सेकेंड हेयर स्टाइल है वो भी ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इसको भी थोड़ा थोड़ा सा खींच लेंगे।
और ये हमारा सेकंड हेयर स्टाइल हो गया फॉर वेस्टर्न ड्रेस, और काफी कंफर्टेबल रहेगा और काफी अच्छा लगेगा, छोटी बच्चियों पे भी ट्राई कर सकते हैं। तो पफ बनाने का भी इजी तरीका इसमें आपको पता चल गया। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। तो थर्ड हेयर स्टाइल जो करेंगे हम लोग वो भी बहुत इजी है, तीन हेयर स्टाइल में तीनों डिफरेंट है और काफी कंफर्टेबल रहेगा आप लोग के लिए। तो जो थर्ड हेयर स्टाइल है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पार्ट लिया है ईयर के पास से, थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, देन सिंपल फ्रेंच ब्रेड जैसे हम लोग बनाते हैं, हेयर बैंड चोटी जिसको बोलते हैं वो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा लेयर लेंगे बालों का और मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल पास से दिखा रही ताकि अच्छे से समझ में आए कि कैसे बना रही है। हेयर बैंड छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ईयर से ईयर तक जाएगी। तो इस तरीके से एक ईयर से दूसरे ईयर तक हमने गूंथ लिया है चोटी को, फ्रेंच हेयर बैंड चोटी। अब जितना भी बचा हुआ हेयर है उसको सिंपल चोटी बना देंगे, सिंपल या फ्रेंच जैसे आपको बनाना है, खजूरी चोटी वैसे आप बना सकते हो। एंड तक पूरा बनाएंगे। एंड तक बनाने के बाद से इसमें रबर बैंड लगा देंगे। बाकी बचे हुए बालों को एक पोनीटेल बनाएंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, ऊपर की तरफ हेयर को करेंगे और एक क्लचर यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लचर ऐड करने के बाद ऊपर के हेयर को छोड़ देंगे, देन क्लचर को अच्छे से हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद से एक रबड़ बैंड नीचे को लगाएंगे जिससे में आपका क्लचर अच्छे से हाइड हो जाए। और बाकी बचे हेयर को अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। और नीचे की तरफ हेयर को लेके आएंगे और यू पिन से इसको सिक्योर करेंगे। ओके, अब ये जो हमारा हेयर पोनी हमने बनाई थी इसको बन के अराउंड लपेटेंगे और एक यू पिन, और यहाँ पे यू पिन या बॉबी क्लिप आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड करना।
और ऑलमोस्ट हमारा हेयर स्टाइल जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये थे आज के 3 ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल जो कि अलग अलग ड्रेस के अकॉर्डिंग, अलग अलग स्टाइल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको खुला हेयर रखना है तो फर्स्ट हेयर स्टाइल कर सकते हो, एंड अगर आपको थोड़ा वेस्टर्न लुक में चाहिए तो सेकंड वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो। अगर गर्मियाँ चल रही हैं और कंफर्टेबल लुक चाहिए, स्टाइलिश लुक चाहिए, तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो जो भी हेयर स्टाइल अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो बैकग्राउंड को मजा आइएगा, जैसे मेरा सेटअप अभी रेडी हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा फैला हुआ है, एंड मैंने आज वन पीस पहना है तो इसका फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है मीशो से और ये मुझे मिला है 400 में, एंड काफी अच्छा है, काफी कंफर्टेबल है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, गर्मियाँ चल रहा है, काफी स्टाइलिश भी लगोगे इसमें आप इस वाले ड्रेस में। तो मैंने लिया था और मुझे काफी अच्छा लगा तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और हेयर स्टाइल कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।